बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के एग्ज़ाम्स की गाइडलाइंस के डूज एंड डोज के डोंट के बारे में। ये जो गाइडलाइंस है, जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे बाहर पे ये बाहर एग्ज़ामिनेशन सेंटर के ये पेस्ट किया हुआ नोटिस मिलेगा। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं उनको तो ये बात पता ही होगी, जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए हमने सोचा ये वीडियो बना के आपको बता देते हैं क्या डूज एंड डोंट्स है। और हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि आपको क्या क्या सामान जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैरी करना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डेफिनेटली वो वीडियो देख लेना। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने डस्ट के बारे में बताया है। उन्होंने बोला है कि यूज़ मास्क, सैनिटाइज़र एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। इसलिए आपको मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र को कैरी करना अपने साथ बहुत ज़रूरी है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, अपनी हॉल टिकट और अपना स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड आपको लेकर ही जाना है। तो आपको हम बता दें कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ हॉल टिकट के साथ आपको नहीं जाना है, आपको इग्नू का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो ओरिजिनल लेकर ही जाना है। हमने पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई ही थी। तो तब मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं है, हमारा मिसप्लेस हो गया है, हमें ऑनलाइन डाउनलोड नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने हमसे पूछी। बट आपको हम एक बार फिर से क्लेरिफाई कर देते हैं कि आपको अपना स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड लेकर ही जाना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो, आपको अपने साथ वो लेकर जाना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है बी सीटेड 15 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम। आपको 15 मिनट पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ जाना है, अकॉर्डिंगली जहाँ भी आपका रोल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको बैठ जाना है। 15 मिनट्स पहले आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर कर जाना है। ये नहीं कि पूरे, अगर आपका एग्ज़ाम 10 AM पे स्टार्ट है तो आपने पूरे 10 AM पे ही जाना है या उसके बाद जाना है, जैसे हम बड़े सारे बच्चे पुराने टाइम पे भी ऐसा ही करते थे कि काफ़ी लेट आ जाते थे या पूरे टाइम पे आते थे। नहीं, आपको 15 मिनट पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करना है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस उन्होंने करने होते हैं, सिचुएशन ऐसी है कि उसके हिसाब से उनको सिटिंग अरेंजमेंट करना होता है। तो बेटर है आपको 15 मिनट पहले जाना ही जाना है अंदर एग्ज़ामिनेशन हॉल में। फिफ्थ है काइंडली कोऑपरेट द इन्वेलिगेटर्स एंड स्टाफ्स वाइल फ्रिस्किंग एट द एंट्रेंस ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। आपको जैसे अब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे तो आपका टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मॉनिटर वो करेंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, जैसा वो बोलेंगे आपको वो कोऑपरेट करना है उनके साथ। आपको कोई उनके साथ वो नहीं करना है कि आप उनकी बात ना मानो, आपको जैसा वो बोलेंगे वो आपको करना ही है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ आपको कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब डोंट की बात कर लेते हैं। डोंट्स क्या है? डू नॉट इम्पर्सनेशन, ठीक है, नो इम्पर्सनेशन, मतलब कि आपका एग्ज़ाम है तो आप ही दे सकते हो, और कोई आके आपकी जगह एग्ज़ाम नहीं दे सकता आपका, ठीक है। सेकंड है नो अनफेयर मीन ऑफ एनी काइंड ऑफ चीटिंग, मतलब आप कोई भी चीटिंग वीटिंग नहीं कर सकते, या तो आप चिट्स वगैरह लेकर नहीं जा सकते हो। तो ये उन्होंने बोला है नो मोबाइल इनसाइड एग्ज़ामिनेशन हॉल, आप अपना एग्ज़ामिनेशन हॉल में मोबाइल कैरी नहीं कर सकते हो। नो बुक्स, नो नोट्स, नो पेपर, नो बैग और एनी मटेरियल रिलेटेड टू एग्ज़ाम अंदर अलाउ किया जाएगा। और साथ ही में इन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि आप अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर भी अपना सामान लाइक बैग रखते हो, उसमें मोबाइल डाल के रखते हो, तो अगर आपका वो बैग या मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसमें एग्ज़ामिनेशन हॉल के स्टाफ का कोई भी रोल नहीं होगा, वो आप अपने रिस्क पे बाहर छोड़ कर जाओगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डूज एंड डोंट हैं इग्नू की तरफ से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा। इग्नू से रिलेटेड ऐसी और सी वीडियोज़ आती रहेंगी। टिल देन टेक केयर।